नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि अपनी जन्मतिथि में विदेश के जाने वाले कौन से ग्रह होते हैं और कौन से अंक हैं, और यह किस महीने में आप विदेश जाएंगे, क्या विदेश में आप परमानेंट सेटलमेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आज की वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के नीचे रेड बटन होगी इसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। लोशो की क्लासेस स्टार्ट है। वैदिक केपीलाल किताब, टैरो, केमिस्ट्री, वास्तु, मैथ्स के पिटिशन क्लासेस स्टार्ट से नोट्स भी उपलब्ध हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आपकी जन्मतिथि में क्या विदेश जाने के अंक हैं और वो क्या परमानेंट सेटलमेंट वाले अंक हैं या नहीं, तो आज की वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1992। यहाँ पे इनका मूलांक 3 और भाग्यांक 7 है, और लोशो ग्रिड में जो अंक उपस्थित हैं 3, 99, 99, 111, 227, और मिसिंग अंक हैं 4, 8, 5 और 6। ये अंक मिसिंग है। तो दोस्तों विदेश जाने वाले जो अंक होते हैं, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है चंद्रमा, मून। मून चंद्रमा इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन को होल्ड करता है, और कैंसर साइन हमारा फोर्थ हाउस यानी कि फॉरेन का घर भी होता है, मकान का घर होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ग्रह आता है जुपिटर। जुपिटर सेजिटेरियस और पाइसिस साइन को डिनोट करता है। सेजिटेरियस 9th हाउस और पाइसिस 12th हाउस यानी कि फॉरेन के होती हैं, और ये हमारे लक को भी डिनोट करता है। तो ये जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरा मार्स, मंगल। मंगल हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी एक एबिलिटी बनाता है, और चूँकि ये हमारी हेल्थ को भी डिनोट करता है और हमारा लग्न यानी हमारी पर्सनैलिटी बॉडी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, और ये हमारे इनर जो बीमारियां होती हैं उसको भी डिनोट करता है। और ये 8th हाउस यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो साइन जली राशि भी जो है वो डिनोट करता है यानी समुद्र पार, तो ये भी विदेश का एक अंक होता है। राहु और केतु 4 और 7 नंबर, ये इनका कोई अपना साइन नहीं होता है, बट ये जिस ग्रहों के साथ कनेक्ट होते हैं और तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट देते हैं। अगर राहु और केतु ये अगर आपके मूलांक और भाग्यांक में राहु और केतु फॉरेन के अंक के वाले नंबर के साथ कनेक्ट हैं ड्राइविंग या कंडक्टर, तो आप विदेश जाने के योग जरूर बनेंगे, ठीक है। और तीसरा अंक होता है, नेक्स्ट अंक है वीनस का, शुक्र का, तो ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी और लग्जरियस का होता है, तो ये भी होता है। तो अब आप किस वर्ष जाओगे, तो आपको ज़्यादा गणना करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है ईयर। देखिए 2023 का टोटल करें, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 2023 7। तो अगर आपका जनवरी में देखेंगे तो 7 नंबर जो है वो जनवरी मंथ यानी 1 नंबर सूर्य का है, नहीं जाएंगे। उसका नेक्स्ट मंथ 2 नंबर चंद्रमा का विदेश का अंक है, लेकिन केतु के अंक है तो इस वजह से दुश्मन है, तो नहीं होगा। तीसरे मंथ मार्च में जाएंगे, ठीक है, जुपिटर का अंक है और केतु का फ्रेंड है। उसके बाद अगर मार्च के बाद नहीं होता तो अप्रैल में भी हो सकता है, ठीक है। फिर मई में नहीं होगा, मई में 5 अंक है क्योंकि बुध है, लेकिन बुध विदेश का नहीं होता। फिर उसके बाद 6 नंबर शुक्र का आता है, लेकिन वो नहीं होगा। जुलाई में कन्फर्म हो जाएगा, जब 7 और 7 होगा, तो इस महीने आप कन्फर्म विदेश यात्रा जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश योग है या नहीं। और अगर आपका मूलांक और भाग्यांक में विदेश के अंक आते हैं तो पक्का आप विदेश जाने के योग बनते हैं और विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनते हैं, ठीक है। अगर आपका कुआ नंबर और सक्सेस नंबर में भी विदेश के अंक होते हैं तो भी विदेश के जाने के योग बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों हेल्पफुल चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।